हेलो गाइस, मैं हूं आपका प्यारा रजत सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर स्टॉक। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि किसी भी गोल पर फोकस कैसे करें। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि क्या कारण है कि हम अपनी पढ़ाई पर या अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन्हें वही सलाह देता हूँ दोस्तों जो आप लोग को साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। गोल पर फोकस करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो मेरा पहला स्टेप होता है कि आज के दौर में लोग बहुत सारे गोल पर एक साथ काम करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अधिक गोल पर काम करने से हम मानसिक व शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा कोई भी गोल जो है ठीक से हमको हासिल भी नहीं हो पाता दोस्तों। इसलिए बेहतर है कि आप आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसे गोल बनाएं और गोल एक बनाएं। नहीं तो होगा क्या कि यदि अधिक गोल बनाएंगे तो उस स्थिति में किसी को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी एक एक चीज़ को गोल बनाएं और उसी पर काम करना शुरू करें दोस्तों। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों। एक बार महाभारत में एक वाक्य होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी एक बार कौरव और पांडव जितने भी राजकुमार हैं उन्हीं सबकी एक बार परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक आम का बगीचा के पास उन लोगों को ले गए और ले जाने के पश्चात प्रत्येक शिष्यों से बारी बारी से पूछा गया कि आम के वृक्ष में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि गुरु द्रोणाचार्य पहले से ही उस आम के पेड़ पर एक पुतला, चिड़िया का पुतला रख देते हैं और सबको बोलते हैं कि आपको चिड़िया चिड़िया जो है उसकी आँख को आपको निशाना लगाना है। और प्रत्येक शिष्यों से पूछा जाता है कि आपको उस पेड़ पर क्या दिखाई देता है। तो प्रत्येक शिष्य जो होता है वह अपने अपने अनुसार जो है बताते चले जाता है। कुछ शिष्य बताता है कि मुझे आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, कुछ शिष्य बोलता है कि मुझे आम की पत्ती पेड़ दोनों नज़र आ रहा है, कोई बोलता है कि मुझे पके पके आम नज़र आ रहे हैं, कोई बोलता है कि मुझे चिड़िया नज़र आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि मुझे जो है वो चिड़िया की आँख नज़र आ रही है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य जी ने किसी को भी धनुष बाण चलाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब बारी आई अर्जुन की तो अर्जुन से पूछा गया कि हे अर्जुन, आपको उस वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने एक ही बात कही दोस्तों कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही गुरुदेव। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि आप तीर छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा एक ही गोल सेट करने के कारण से वह जो है चिड़िया की आँख को भेद पाया। तो देखा आपने दोस्तों कि एक या एक से अधिक गोल जब हम करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा कोई भी गोल जो होता है अचीव नहीं हो पाता, और जब एक गोल बनाते हैं तो वह उसी स्थिति में हमारा गोल जो होता है अचीव हो पाता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों कि गोल को जैसे ही आपने बना लिया तो गोल को साफ साफ बड़े अक्षरों में एक कोरे कागज पर लिख ले और उसे घर के उस जगह पर चिपकाएं कैसे और इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये जो होती है इसी को बोलते हैं परफेक्ट प्लानिंग, कि ये आप गोल जो है कब तक अचीव कर पाएंगे एक समय अवधि आप निश्चित कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको काम करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो ये आपके पास कहलाती है परफेक्ट प्लानिंग। उसका चौथा स्टेप होता है दोस्तों कि प्लानिंग जैसे ही आपने कर लिया तो उस प्लानिंग के मुताबिक आप उस पर हार्ड वर्किंग कीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग करने दौरान उस पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते चले जाएगा उस काम के प्रति, और आपका कॉन्फिडेंस जो है लेवल जो होता है वो बढ़ते चले जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो कुछ आउटसाइड के लोग जो होते हैं वो हम पर कमेंट्स पास करते हैं, तो उस कमेंट्स पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि होता क्या चीज़ है, यदि आप उसके कमेंट्स की ओर ध्यान देंगे तो वैसी स्थिति में होगा क्या कि आप उसकी ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे और अपने गोल से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। ऐसे भी लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ क्या होते हैं बुराई ढूंढ लेते हैं दोस्तों, और आपको उस काम से भ्रमित हो जाए ऐसा कि कुछ ना कुछ वो कॉमेंट्स पास करेंगे, तो आपको उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे दोस्तों। गर्मी का मौसम था तो पानी की मात्रा कम थी, तो मेंढक जो है खचाखच बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते थे। उसी तालाब के किनारे पर एक बहुत ही ऊंचा बबूल का पेड़ था। जितने भी मेंढक थे वह सोचते थे कि सभी जगहों का कोई ना कोई राजा रहता है, मुखिया रहता है,
हमारे इस तालाब का कोई मेढक ग्रुप का कोई भी जो है वो मुखिया या राजा नहीं बना हुआ है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर एक राजा या मुखिया हम बनाएं। तो सब लोग बोलते थे कि वो बोलता था मैं बनूंगा, वो बोलता था मैं बनूंगा। तो वैसी स्थिति में उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो मेढक इस पेड़ की डंगाल पर सबसे ऊंचाई पर चढ़ जाएगा वही जो है इस ग्रुप का, इस तालाब का राजा बनेगा। ऐसा सोचते हुए अगले दिन से सभी लोगों ने एक एक करके चढ़ना शुरू किया। दोस्तों जैसे ही कोई एक मेढक चढ़ता था तो नीचे से जो बाकी मेढक है जोर जोर से चिल्लाते थे, संभल के चढ़ना, गिर जाएगा, हाथ पर टूट जाएगा तेरा, संभल के चढ़, ज़्यादा ऊंचाई से गिरा ना तो हड्डी पसली कुछ भी नहीं बचेगी तेरी। इस प्रकार से हाथ को उठाकर चिल्ला कर या बाकी जो मेढक जो नीचे बैठे थे उस जो चढ़ने वाला मेढक है उसके लिए बोलते रहते थे। तो ऐसा जो है हर मेढकों के साथ हुआ दोस्तों, और कोई भी मेढक जो है वो इस प्रकार से ऊपर नहीं चढ़ पाया। धीरे धीरे समय बीतते चला गया और जो भी तालाब का जितना भी मेढक है सभी लोग प्रयास करते थे, एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किए, लेकिन कोई भी जो है नहीं चढ़ पाया। तभी हुआ क्या कि एक दिन बाहर दूसरे तालाब से एक मेढक जो है उछलते कूदते जो है उस तालाब में आ गया दोस्तों, और जितने मेढक जो हैं उनको देखते रह गया कि सभी लोग चढ़ते थे और कोई भी जो है चढ़ नहीं पाता था और गिर जाता था। तो वैसे से उन्हें सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, और वो जो बाहर से आया हुआ मेढक था वो भी चढ़ना शुरू करता है दोस्तों। जैसे चढ़ना शुरू करता है तो चढ़ने के बाद कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद नीचे देखता है तो वो लोग जो है बाकी जो मेढक की तरह जैसे चिल्लाते थे कि संभल कर गिर जाएगा, और धीरे धीरे वो मेहनत जो है डूबने की